हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं हितेश मिश्रा फिर से आपके साथ हूं। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पार्ट ऑफ अन एकेडमी। नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे और आज के सेशन के लिए होंगे रेडी, क्योंकि आपके साथ जुड़ चुका है वाईफाई स्टडी, है ना। तो यहां पर अगर हम देखें 1000 प्रश्नों का सुपर सीरीज चल रहा है मेरे द्वारा। और पहले तो ये देख लीजिए कि आज का कोटेशन क्या है, कि यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। तो अगर आप में ये हिम्मत नहीं आ रहा है तो आप जुगनू को देखिए, जुगनू चलती है अपने प्रकाश के साथ 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 साथ। तो आपको भी इतना तो जरूर है कि आप अगला कदम रखेंगे तो अगले कदम तक के लिए आप कॉन्फिडेंट हैं। तो अगर आप कभी भी निराश होते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप अंधेरा हर सकते हैं। मेहनत करिए, स्टेप लीजिए। और जितने भी भाई बहन हैं, अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। कुछ नहीं करना है, आपको सर्च करना है रीजनिंग बाय हितेश सर, रीजनिंग बाय हितेश सर। फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हैं रीजनिंग बाय हितेश सर, और इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं रीजनिंग बाय हितेश सर। और जितने भी भाई बहन हैं, बता दें कि आप लोगों के लिए जबरदस्त SSC के लिए, इसके साथ साथ 60 CGL प्लस CHSL का टेस्ट चल रहा है। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए रेफरल कोड वाईफाई चैंप लगा के, ठीक है, रेफरल कोड वाईफाई चैंप लगा के। चलिए अब यहां पर आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं और इसका आंसर जो है बताइए क्या लग रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, इसका आंसर बताएं डियर फ्रेंड्स। थोड़ा शेयर करो भाई, थोड़ा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों को जोड़ो, ऐसे काम नहीं चलेगा। शेयर शेयर शेयर। जितने भी भाई बहन हैं सबको जोड़ लें। क्या बात है, इसका आंसर बताइए। एक महीने का कम से कम 1080 रुपया आफ्टर यूजिंग वाईफाई चैम। तो इसका आंसर आप डी कह रहे हैं, क्यों? इसका जो आंसर है आप क्या कह रहे हैं, डी क्यों? क्योंकि सब में एक वॉवेल है, इसमें इसमें और इसमें, तीनों में वॉवेल है लेकिन इसमें कोई वॉवेल नहीं है। दैट इज वाई आपका जो आंसर है वो किसके साथ चला गया, बीजी के साथ। बीजी विल बी राइट आंसर फॉर यू। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अगले में आते हैं और इसका जो आंसर है वो देखिए क्या होगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न है ये। अगला जो प्रश्न है इसका आंसर बताएं आप, क्या लग रहा है आपको? ध्यान से और आराम से शेयर शेयर शेयर। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया, इसका आंसर बताएं डियर फ्रेंड्स। क्या लग रहा है, इसका आंसर बताइए जरा। तो डी कह रहे हैं आप, कैसे? देखो 6 2 8 6 14 7 21 6 27 9 2 11 12 4 16 8 24 8 1 9 4 13 2 15 3 18 3 2 5 6 11 7 18 4 22 ये तीनों जो हैं ये डिविजिबल बाय 3 है लेकिन ये जो है ऐसा नहीं है। दैट इज वाई आपका जो आंसर है वो किसके साथ चला गया, ऑप्शन डी के साथ। डी विल बी राइट आंसर फॉर यू। क्लियर डियर, कोई दिक्कत नहीं है। अगले में आई, अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं और इसका आंसर बताइए क्या लग रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। इसका आंसर बताएं आप, क्या लग रहा है? ध्यान से और आराम से।
बहुत खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया। तो ये जो प्रश्न है इसका आंसर आप क्या कह रहे हैं? सी होगा। इसका आंसर आप कह रहे हैं सी होगा। कैसे देख लेते हैं। सी ओ एन वी ई एन टी आई ओ एन ए एल और यहां पर इसको लिखा गया है एन ओ सी एन ई वी ओ आई टी एल ए एन। तो ये ऐसे आ जा रहा है, बस शिफ्ट ऐसे हो जा रहा है, इसमें और कुछ हुआ नहीं है। ये तीन तीन का ग्रुप जो है ये ऐसे शिफ्ट हो गया है, यही तो हुआ है ना। तो सेम चीज करोगे इसमें भी, तो ई एन टी को टी ई एन लिखोगे, ये टी एन ई सब में है, इसमें नहीं है, ठीक है। और लास्ट में अगर हम देखें तो यहां पर फिर से टी एन ई हो जाएगा, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये हो जाना चाहिए। सी शुड बी राइट आंसर फॉर यू। पूरा चेक करने का जरूरत ही नहीं है, सी जो है आपका राइट आंसर हो गया। अगले में आइए, इसका आंसर जरा बताइए क्या लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डियर फ्रेंड्स, व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर फॉर दिस। जबरदस्त प्रदर्शन, बहुत सही जा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डी कह रहे हो आप, तांगा। देखो बैल के साथ जब गाड़ी जुड़ जाता है तो बैल गाड़ी हो जाता है, और घोड़े के साथ जब आप मतलब उसमें भी जोड़ देते हैं तो वो सवारी हो जाती है। तो आपका जो आंसर है वो तांगा के साथ जाएगा या किसके साथ जाएगा? हॉर्स राइड होगा, बी होना चाहिए ना। बुलॉक कार्ट, हॉर्स तांगा, चलो ये भी एक सही लॉजिक है, तो इसको इसी के साथ चले जाते हैं लेके, कि बैल के साथ जुड़ता है गाड़ी और घोड़े के साथ जुड़ता है तो तांगा हो जाता है ना। क्लियर है ये? ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। अगला जो प्रश्न है इसका आंसर बताएं क्या लग रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका आंसर बताएं आपको क्या लग रहा है। इसका जो आंसर है ये बताएं आप क्या लग रहा है, ध्यान से और आराम से। व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर फॉर दिस। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका आंसर बताएं आप। थोड़ा शेयर करो यार, ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों को जोड़ो। देखो यहां पर क्या हुआ, सी डी यहां पर फिर तीन जुड़ा है और यहां पर फिर पांच जुड़ा है। इसमें अगर हम जोड़ें तो ये क्या हो जाएगा, एक जुड़ेगा तो सी, तीन जुड़ेगा तो एल, और फिर पांच जुड़ेगा तो सात पांच बारह। तो सी एल एल आपका राइट आंसर है, सी एल एल आपका राइट आंसर है। क्लियर है डियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, चीजें चकाचक हैं, आगे बढ़े विदाउट एनी प्रॉब्लम। शुड वी गो फॉर द नेक्स्ट। ठीक है, अगले में आइए। अगला जो प्रश्न है इसका आंसर देखिए जरा क्या होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट डू इट। इसका आंसर बताएं आपको क्या लग रहा है, ध्यान से और आराम से। इसका आंसर बताएं जरा सा क्या होगा। सी कह रहे हैं, कितने जोड़े हैं, जोड़ा निकालने का बात हो रहा है इसमें। चलो देखते हैं, प्रेडिक्टेबल। पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड कोई नहीं है, आर एस टी यू वी नहीं है, ई एफ जी एच आई जे के एल, ए डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ नहीं है, सी डी ई एफ जी नहीं है, टी यू वी नहीं, ए बी सी डी नहीं है, बी सी डी नहीं है, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ नहीं है, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी नहीं है, ए बी सी डी ई एफ नहीं है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं है, सी डी ई एफ जी नहीं है, आई जे के एल एम नहीं है, डी ई, और कौन सा हो सकता है एक, इधर से कितने हो गए अभी तक, इधर से अभी तक कितने हो गए, थ्री होंगे या फोर होंगे। ए बी हो गया, ई से एल हो गया, डी से ई हो गया, इसके अलावा और कौन से हो सकता है। ए बी सी ये वाला भी होगा ना, तो आपका जो टोटल है ये चार पेयर हो जाएंगे। टोटल कितने पेयर होंगे, चार। टोटल कितने पेयर होंगे, चार। क्लियर है डियर। चलो अगला देखते हैं, इसको देखें, इसका आंसर बताएं क्या लग रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका आंसर बताइए, और थोड़ा भाई लिंक को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि हमें भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे, ठीक है। थोड़ा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ये विनती है। इसका आंसर बताइए क्या लग रहा है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, जैसे ए से एम है, इसको हमने एम से ए कर दिया, फिर बाएं से तीसरा, तो यहां पर एन टू जेड में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं 16वां, तो 19 हो गया ना, ये क्या हो गया 19, तो 19 नंबर पर एस होता है क्योंकि उसमें कोई बदलाव हुआ नहीं है, तो एस आपका राइट आंसर है। क्लियर है डियर, चेंज नहीं हुआ है कुछ भी, पहला अर्धांश को बदला है, दूसरे में कोई चेंज ही नहीं किया है, तो दूसरे में जो 19 नंबर पर है वही आंसर होगा, 19 नंबर पर एस होता है तो आपका आंसर एस के साथ चला गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आगे बढ़ें, अगले में आइए, इसको देखिए इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर बताएं आप क्या लग रहा है। बहुत सही जा रहे हैं, बहुत बढ़िया जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो यहां पर आप कह रहे हो 24 होगा गुरुजी, कैसे? अल्टरनेटिवली 18 3 21 और 3 24, 24 3 27, 3 30 और ये 24 3 27, तो आपका जो आंसर है 24 के साथ चला गया, 100% सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा इसी में अगर एक क्वेश्चन हम दे दें कि हमने दिया आपको 40 90 52 या पहले 61, फिर 52, फिर हमने दे दिया आपको 63, अगला क्या होगा? ऑप्शन है 94 95 84 और 85। आप बताएं इसका आंसर क्या लग रहा है? What do you think is the right answer for this? ध्यान से और आराम से, इसका आंसर क्या लग रहा है आपको जरा बताइएगा, इसका आंसर क्या लग रहा है? इसी में ये क्वेश्चन है, थोड़ा वीडियो को शेयर करो यार, ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों को जोड़ो। कहां है सब, कहां चले गए सब? चौरानबे हो जाएगा, कैसे देखते हैं? ये देखो, ये 2 का स्क्वायर है, 0 2 का स्क्वायर और उसको पलट दिया गया, जैसे 0 4 हुआ तो उसको पलट के लिखे, ये 3 का स्क्वायर है तो जिससे 0 9 हुआ इसको पलट के लिखे, ये 4 का स्क्वायर है 16 है तो पलट के लिखे, ये 5 का स्क्वायर है 25 है तो इसको पलट के लिखे, ठीक है, और ये 6 का स्क्वायर है 36 तो इसको पलट कर लिखे, और नेक्स्ट होगा 7 का स्क्वायर 49 तो इसको हम पलट के जब लिखेंगे तो ये 94 के साथ चला जाएगा, 94 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फंस गए। अगर ये क्वेश्चन पसंद आया तो एक बार अंगूठे का इस्तेमाल करें और सारे भाई बहन लाइक कर लें और वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। अगले प्रश्न में आते हैं और इसका आंसर देखते हैं क्या होगा, जरा सा इसका आंसर देखो बाबू क्या लग रहा है, ध्यान से और आराम से इसका आंसर बताइए। What do you think is the right answer for this? लाइक यहां नहीं करना था, लाइक के बटन पे करना था, खैर कोई नहीं। इसका आंसर बताएं क्या लग रहा है, मोहन उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, पहले वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा 45 डिग्री क्लॉकवाइज में, फिर 90 डिग्री बाएं घुमा और अंत में 135 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा, तो इसको जोड़ दोगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, 180 से घटा दोगे 90 को तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, साइन पॉजिटिव रहेगा। तो उत्तर की ओर जब इसका मुंह था और यहां से 90 डिग्री जब ये घूमेगा ऐसे तो ये ईस्ट में घूम गया ना, अब तो आपका जो आंसर है वो किसके साथ चला गया, ईस्ट के साथ, ईस्ट विल बी राइट आंसर फॉर यू। क्लियर है डियर, बात समझ में आ गया, कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, चीजें चकाचक हैं, आगे बढ़े विदाउट एनी प्रॉब्लम। आइए जो अगला प्रश्न है इसको देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने उसको देखिए और इसका आंसर बताइए क्या लग रहा है, व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर फॉर दिस। जबरदस्त, ध्यान से और आराम से इसका आंसर बताएं जरा सा लग क्या रहा है। बहुत सही, बहुत बढ़िया, ध्यान से बताइए क्या लग रहा है। डॉटर लग रहा है, ओके एक लड़की का परिचय कराते हुए कोमल कहती है कि वह मेरी माँ, ठीक है, कोमल कह रही है कि मेरी माँ के बेटे की एकमात्र बहन, मतलब खुद कोमल
की बेटी है, ये जो गर्ल है इनके बारे में, तो वह लड़की कोमल से कैसे संबंधित है? तो कोमल से वह लड़की कौन हो जाएगी? बिटिया। बेटी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये? कोई दिक्कत नहीं है, चीजें चकाचक हैं, आगे बढ़े विदाउट एनी प्रॉब्लम। शुड वी गो फॉर द नेक्स्ट? चलिए इसको देखते हैं जरा। ये है इंसर्टिंग द मिसिंग करेक्टर। इसमें क्या लग रहा है आपको, क्या आंसर हो जाना चाहिए? इसका आंसर बताइए जरा सा ध्यान से और आराम से। लग क्या रहा है आपको, क्या आंसर हो जाएगा बताइए जरा सा। इसका आंसर बताएं आप। थैंक यू अक्षय मांझी जी। तो आप 49 कह रहे हो, 49 कह रहे हो, कैसे होगा देख लेते हैं। यहां पर अगर हम देखें सबका स्क्वायर हो गया 16, 9, 25, 4, 29, 4, 1, 5 और 25, 30, 4 और 9, 13 और 36, तो ये 36 में 10 जोड़े तो 46 और 3 49 हो जाएगा, 49 हो गया। क्लियर है ये? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अगर हम आपको ये कह दें, अगर हमारा ऐसा क्वेश्चन हो कि डॉग, ठीक है, कुत्ता, फिर हम दे दें मांसाहारी और फिर हम दे दें जानवर, तो इसका जो इमेज होगा वो कैसा बनेगा ये बताइए। ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, या ऐसा, आप इसका आंसर बताइए जरा सा कि क्या होगा। व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर फॉर दिस? इस वैन आरेक का आंसर क्या होगा जरा बताइए। ये जो प्रश्न हम आपके सामने करवाए इसका आंसर बताइए क्या लग रहा है। तो आप कह रहे हैं बी होगा गुरुजी, बिल्कुल सही, क्योंकि डॉग तो चलो जानवर के अंदर आ गया, तो सारे कुत्ता ना तो मांसाहारी होते हैं ना सारे जानवर होते हैं, इसलिए बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए। जैसे आप बहुत सारा ऐसा डॉग है जो सिर्फ दूध वूध पे रहता है तो वो मांस नहीं खाता है, तो इसी वजह से आपका जो आंसर है वो किसके साथ चला जाना चाहिए, तो बी के साथ चला जाना चाहिए। कोई तकलीफ नहीं है, चीजें क्लियर हैं। चलिए तो ये चीज जब समझ में आ गया तो उम्मीद करते हैं कि आज का पूरा सेशन भी समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा कर दीजिए लाइक और ज्यादा से ज्यादा कर दीजिए आप शेयर, सबसे पहला काम। दूसरा काम आपको करना क्या है कि जो भी भाई बहन अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम पर वो जुड़ जाएं, रीजनिंग बाय हितेश सर, ठीक, फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम भी। और तीसरा काम कि अनअकैडमी का जो आपका सब्सक्रिप्शन है उस पर एसएससी के 60 सीजीएल और सीएचएसएल का टेस्ट चल रहा है, अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए रेफरल कोड वाईफाई चैंप के साथ। बैंकिंग का ऑलरेडी क्लास चल रहा है, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए एसबीआई के लिए, और अदर जो भी हैं रेलवे या डीआरडीओ कोई भी अगर आपको देखना हो डिफेंस वाले में तो भी जुड़ सकते हैं रेफरल कोड वाईफाई चैंप के साथ। प्रोसेस बहुत ही आसान है, ये 7 स्टेप है। पहले लॉगिन करें मोबाइल नंबर भर के, उसके बाद गोल सेलेक्ट करें, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करें, मंथ जितने लेने हैं कोर्स को सेलेक्ट करें, वाईफाई चैंप लगाएं और लास्ट में क्या कर दें पेमेंट कर दें, ठीक है डियर। और कल आपको किस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने हैं ये आप कमेंट कर दीजिएगा। 3 लेक्चर आपको देखना है, एक सुबह 11 बजे वाईफाई स्टूडियोज पर बैंक के लिए, दूसरा 1:30 बजे रेलवे के लिए, और तीसरा लेक्चर अभी होता है शाम कितने बजे 6 बजे एसएससी वाले सारे बच्चों के लिए। तो जल्दी से जल्दी एग्जाम है 2 मार्च से सीजीएल का और 15 मार्च के बाद से सीएचएसएल का, जुड़े रहिए मेहनत करिए, कोई दिक्कत आपको होने नहीं देंगे, भरोसा रखिएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, कल मिलते हैं शाम 6 बजे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर लव सपोर्ट एंड रिस्पॉन्स, लेकिन थोड़ा सा लाइक शेयर जरूर किया करिए, बच्चे कम हो रहे हैं, है ना, ये आपकी जिम्मेवारी। और टेलीग्राम पे जुड़ने से फायदा होगा, सारे वीडियो के लिंक पीडीएफ और नए नए नोटिफिकेशन जो भी आएंगे वो मिलेंगे। ध्यान रखिए, नाम है रीजनिंग बाय हितेश सर, बाय बाय।